हाँ देखिए, क्लास टेंथ मैथमेटिक्स चैप्टर 10 और एक्सरसाइज 10.2 शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन 1 से 3 तक के लिए ऑप्शन दिए जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। ठीक है, तो ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, जस्टिफिकेशन भी करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में एक सर्कल बना लो जिससे आसानी रहे। एक सर्कल हम बना लेते हैं, ठीक है। अब सर्कल बनाने के बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, एक पॉइंट ले लेंगे क्यू, यहाँ पे एक पॉइंट डी हमने क्यू, ठीक है। तो फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। यहाँ से ये क्या होगी, ये टेंजेंट होगी, सर्कल से टच करती हुई जाएगी लाइन। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी दी है, 24 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक इसको कोई पॉइंट मान लेंगे हम, पी मान सकते हैं, ठीक है। और लिखा है आगे द डिस्टेंस ऑफ क्यू, ठीक है, क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 फ्रॉम द सेंटर। सेंटर यहां पे सर्कल का सेंटर मान लो यहां पे, यहां से ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको यहाँ पे मिला दो, ये रेडियस है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जब इसको मिलाएंगे रेडियस को, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा थ्योरम है ये, ठीक है। ये क्या है, QP क्या है, ये टेंजेंट है और ये रेडियस, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसमें पूछा क्या है, मैं रेडियस पूछी है, ये आर पता करना है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ट्राइंगल बन गया और ये 90 डिग्री एंगल भी है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन राइट एंगल ट्राइंगल OPQ, ये OPQ ट्राइंगल लिया, तो इसमें लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या देखेंगे, देखो हाइपोटेन्यूज क्या होगा इसके सामने वाला 90 डिग्री को, तो OQ का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम होगा, तो आर स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो OQ का स्क्वायर इक्वल टू OQ की वैल्यू रख देते हैं, देखो OQ की वैल्यू कितनी है, 25 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, आर पता करना है, और 24 का स्क्वायर, चलिए अभी तो ऐसे लिख देते हैं, 25 का होता है 625, आर स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, दो बार इंटू कर लेते हैं, ठीक है। इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 625 माइनस 576 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, 625 में से 576 को माइनस कर देते हैं, बचेगा इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट 49, तो आर इक्वल टू 77 या 49, प्लस की वैल्यू लेंगे हम, ठीक है। तो आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे ए ऑप्शन आएगा इसका, ठीक है। सॉल्व हमने कर ही दिया है, सॉल्व करके जो उन्होंने बोला था बताना है, तो ये सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है, लिख लीजिए अब इसको। हाँ देखिए, सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं हम, ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें मिलेगा आपको, यहाँ लिखा है इन फिगर इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स। ये टेंजेंट है, देखिए TP और ये TQ, ये दो टेंजेंट हैं, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, टू अ सर्कल विद सेंटर O, ये सेंटर O, यहाँ पे O लिख देता हूँ मैं, सो दैट एंगल POQ, ये POQ, ये 110 लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये कह रहा है देन एंगल PTQ इज इक्वल टू, अब हमें ये बताना है PTQ, यानी कि ये वाला एंगल हमको बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हम इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए हम जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, यहाँ सीधे लिख देते हैं, देखो ये दोनों एंगल टेंजेंट पे टेंजेंट के साथ बन रहे हैं, ये रेडियस है
और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री के बनेंगे। ये हमें मालूम है ये दोनों एंगल कितने के बनेंगे, ये भी 90। ठीक है, ये तीन एंगल हमें पता चल गए, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल शेप बन रहा है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का सम 360 होता है, तो हम लिखेंगे वी नो दैट, यहाँ लिख देंगे इन फ्रॉम फिगर लिख दो, इतना ही ठीक है, फ्रॉम फिगर। ठीक है, वी नो दैट। तो ऐसा करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, देखिए 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री, इसको लिखा, इसको लिखा, इसको लिखा, और इसके लिए एंगल लिख देंगे ये प्लस एंगल पी टी क्यू इजकल टू 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री होगा। अब इन तीनों को ऐड कर लो। ठीक है, तो ऐड कर लेते हैं, तो देखिए कितना आएगा, टू हंड्रेड नाइन्टी आएगा ये तीनों को ऐड करके, प्लस एंगल पी टी क्यू इजकल टू 360। ठीक है, 290 को ट्रांसफर कर देंगे उधर, एंगल पी टी क्यू इजकल टू 360 माइनस 290। ठीक है, तो एंगल पी टी क्यू इजकल टू, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, जीरो में से जीरो जीरो, यहाँ 16, देखो यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, यहाँ रह जाएगा 2, 2 में 2 का कुछ नहीं, तो 70 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर नोट कर लें इसको। देखिए अब इसका थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें लिखा है इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू अ सर्कल। पहले एक सर्कल बना लेते हैं जिससे समझने में आसानी होगी। देखो एक सर्कल हमने बनाया यहाँ पे, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं पी, पॉइंट पी, यहाँ पे एक पॉइंट पी लिया और टेंजेंट्स पी ए और पी बी बना लेते हैं। देखो एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है, इसका नाम रख दिया मैंने ए और इसका नाम रख दिया बी। ठीक है, ए और बी, तो ये टेंजेंट हो गई पी ए, एक हो गई पी बी। ठीक है, तो देखो टू टेंजेंट्स जो है, इफ टेंजेंट्स लिखा है ना, पी ए एंड पी बी, ये बन गई पी ए और पी बी फ्रॉम पॉइंट पी, यहां से टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, यहाँ पे सेंटर ओ मान लेते हैं और ये इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए अब ये क्या कह रहे हैं, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। ये दोनों जो है कितना एंगल इंक्लाइन कर रहे हैं, 80 डिग्री। ठीक है, देन पी ओ ए इज इक्वल टू, तो आपको ये बताना है पी ओ ए यानी पी ओ ए, यहां से ये एंगल पी ओ ए, ये वाला एंगल बताना है पी ओ ए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये तो हम जानते हैं 90 डिग्री होता है। ठीक है, थ्योरम है ये, अगर किसी टेंजेंट पे ये परपेंडिकुलर ये रेडियस से जो बन रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे 90 डिग्री है, ये हमें पता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस सबसे पहले हमने एक थ्योरम प्रूफ की थी, जो थ्योरम हमने क्या प्रूफ की थी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस होते हैं ट्राइंगल, इस टाइप का जो ट्राइंगल बनेगा वो क्या, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस होते हैं, तो सीपीसीडी से ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये 80 है तो ये 40 हो जाएगा, ये एक साइड का, ठीक है 40 हो जाएगा, ये ध्यान देना, ये इतना एंगल कितना हो जाएगा 40, और इधर भी 40 बचेगा, इसको 80 को मिटा देता हूं मैं, यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे 40 ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये जो एंगल है ये पता करना है, तो अब ये ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल के तीन एंगलों का सम 180 होता है हमें पता ही है, तो अब लिखते हैं हम सॉल्यूशन में, फ्रॉम फिगर इन ट्राइंगल AOP, इस ट्राइंगल को हमने लिखा, इसमें देखिए हम लिखेंगे इन तीनों एंगलों का सम कितना होगा, 180 लिख देंगे हम, तो लिखेंगे 40 प्लस 90 प्लस ये वाला एंगल क्या है, ये POA, एंगल POA, इसको लिख दिया POA, ठीक है, इक्वल टू 180, इस ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होगा। अब इनको ऐड कर लो, 130 प्लस एंगल POA इक्वल टू 180, ठीक है, 130 को हम ट्रांसफर कर देंगे उधर, एंगल POA इक्वल टू 180 माइनस 130, तो एंगल POA इक्वल टू 180 में से ये घटा देंगे, कितने बचेंगे 50, ठीक है ना,
तो इसमें ऑप्शन में ए ऑप्शन आएगा इसका आंसर, ठीक है।